चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ की अदालत पहुंची महिला खिलाड़ी। चंद्रचूड़ ने जारी किया नोटिस, महिला खिलाड़ियों के बचाव में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भाजपा सांसद ब्रिजभूषण पर एफआईआर दर्ज करने की थी अपील। महिला खिलाड़ियों के यौन उत्पीड़न का उठा था सवाल। मोदी सरकार की चुप्पी शर्मनाक, कौन सुनेगा भारत की बेटियों को। ना कोई ताकत ना कोई अदावत, और चाहे पूरा सिस्टम ही क्यों ना चाहे, तेरे बोल पर अंकुश नहीं डाल सकते। बोल इलाहाबाद आजाद ने तेरे। नमस्कार, बोल के इलाहाबाद आजाद है तेरे, मैं अभिसार शर्मा। एक देश का प्रधानमंत्री हकीकत से इस कदर जुदा कैसे हो सकता है, मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, लगातार दूसरी रात ओलंपिक में देश का नाम रोशन करने वाली हमारी जो महिला खिलाड़ी हैं, उन्हें जंतर मंतर में इस तरह से धरना देना पड़ा, लगातार दूसरी रात इस तरह से सोना पड़ा खुले आसमान के नीचे। अब इन तस्वीरों को देखिए, विनेश फोगाट, इनकी आंखों में आंसू हैं, साक्षी मलिक रो रही हैं, बजरंग पुनिया बेबस हैं। मुद्दा क्या, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा, इससे पहले, बहुत पहले, ये लोग इसी तरह से जंतर मंतर में बैठे थे। मुद्दा यह था कि आपके स्क्रीन पर कुश्ती संघ के पूर्व महाध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण ने खिलाड़ियों का यौन उत्पीड़न किया था, सेक्सुअली हैरेस किया था। बात वहां नहीं रुकती, उनमें से एक लड़की नाबालिग है, कहने को पॉक्सो का मामला बनता है, मगर केंद्र सरकार इनकी बात नहीं सुन रही है। केंद्र सरकार पर जूं तक नहीं रेंग रही है, चाहे विनेश फोगाट या साक्षी मलिक इस तरह से रोते रहे, उन पर कोई असर नहीं पड़ता। और प्रधानमंत्री मणिपुर में खेल मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए यह कहते हैं कि हमें अपने खिलाड़ियों का ज्यादा से ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। ये बात सही है कि पिछले एक वर्ष में भारतीय एथलीट्स और खिलाड़ियों ने कई इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स में अभूतपूर्व प्रदर्शन किया है। हमें इन उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए साथ ही ये भी सोचना है कि हम अपने खिलाड़ियों की और ज्यादा से ज्यादा मदद कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा, एक देश का प्रधानमंत्री हकीकत से इस कदर कैसे जुदा हो सकता है। प्रधानमंत्री, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, आखिर इन खिलाड़ियों को सुप्रीम कोर्ट क्यों जाना पड़ रहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के लिए। लगातार महिला खिलाड़ियां आपसे गुहार कर रही हैं और आप मणिपुर में बैठकर यह कहते हैं कि हमें यह सोचना पड़ेगा कि खेल खिलाड़ियों की हालात को कैसे सुधारे जाए। बजरंग पुनिया हों, विनेश फोगाट हों, साक्षी मलिक हों, ये सब वो हैं जिन्होंने ओलंपिक में देश का नाम रोशन किया है। इस मुद्दे पर आपकी खामोशी क्यों बनी हुई है, ये सवाल तो पूछा जाना चाहिए ना। आपका दिल क्यों नहीं पसीज रहा विनेश फोगाट और साक्षी मलिक की आंसुओं को देखते हुए। मैं चाहूंगा कि आप देखें, जब वो पत्रकारों के साथ रूबरू हुए जंतर मंतर में, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दो दिन पहले सीपी पुलिस थाने में कंप्लेंट दी थी और दो दिन हो गए हैं, अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। हमारी सात लड़कियों ने कंप्लेंट की थी, जिसमें से एक लड़की माइनर है, पॉक्सो केस बनता है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई, ना एफआईआर दर्ज हुई। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी जो एफआईआर हो और अक्यूज्ड को जो है वो जो जेन्युइन सजा है वो मिले। लाइफ, हमारा गेम, हमारा परिवार, सब कुछ दांव पे लगा के हम यहाँ पे आए हैं। आपको क्या लगा, तीन महीने से हम इतने मेंटल टॉर्चर से गुजर रहे हैं, सिर्फ एक इसमें कि हमें इंसाफ मिले हम खिलाड़ियों को, और ये महिला खिलाड़ियों की सम्मान की बात है। हम इंटरनेशनल लेवल पे ओलंपिक में मेडल लाती हैं हमारी लड़कियां, कोई ऐसे नहीं है। अगर हम ही सुरक्षित नहीं है इस देश में, तो बाकी लड़कियों के भविष्य का या हम किसके बारे में क्या सोच सकते हैं। इनकी आवाज कोई नहीं सुनेगा, उल्टा इन खिलाड़ियों को चिढ़ाने के लिए मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। ये वीडियो मैंने विनेश फोगाट के ट्विटर टाइमलाइन पर देखा था, तारीख 15 से 17 अप्रैल के आसपास बताई जाती है। गोंडा का ये वीडियो देखिए। गोंडा के एक समारोह में, एक कुश्ती के समारोह में ब्रिजभूषण शरण सिंह यहां दिखाई दे रहे हैं।
इन्हीं के खिलाफ तो ये खिलाड़ी मोर्चाबंदी कर रहे हैं ना। याद कीजिएगा, जब पिछली बार इन्होंने धरना दिया था उस दौरान कुश्ती संघ के अध्यक्ष पद से बृजभूषण शरण सिंह को हटा दिया गया था, मगर इन्हें चिढ़ाने के लिए गोंडा के एक समारोह में वो जाकर बैठ जाते हैं। मैं समझना चाहता हूं कि आखिर केंद्र सरकार इतनी बेदिल कैसे हो सकती है, बताइए कैसे हो सकती है। मोनू मिश्रा, केंद्र में गृह राज्य मंत्री का जो बेटा है मोनू मिश्रा, उस पर आरोप लगता है किसानों को रौंद देने का। वो अब भी जेल में है, मगर उनका पिता छाती तानकर अब भी केंद्र सरकार में बना हुआ है। दो मिसालें हैं आपके सामने दोस्तों। इन दोनों ही मामलों में कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जबकि हमारे किसानों को लखीमपुर खीरी में जब रौंदा गया था तो याद कीजिए उससे पहले से ही केंद्र में मंत्री अजय मिश्रा लगातार हमारे किसानों को चिढ़ाने का काम कर रहे थे। बात वहां नहीं रुकी, एक मंच पर खड़े होकर अजय मिश्रा टेनी ने धमकाया था हमारे किसानों को, और उसके बाद उनके बेटे पर आरोप लगा हमारे किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे रौंद देने का। उन पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और बृजभूषण शरण सिंह पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और सबसे शॉकिंग बात, स्मृति ईरानी पूरी तरह से खामोश है। मैं तो ये नहीं समझ पाता हूं मैडम कि आप इस पद पर क्यों बैठी हुई हैं। आपका सिर्फ एक काम है, राहुल गांधी पर निशाना साधना। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं अगर राहुल गांधी इन महिला खिलाड़ियों से जाकर मिलते हैं तो जरूर स्मृति ईरानी मुंह खोलेंगी, किसी ना किसी तरीके से, मगर जरूर मुंह खोलेंगी। मगर जब हाथरस में अत्याचार होता है स्मृति ईरानी चुप रहती हैं, उन्नाव में अत्याचार होता है स्मृति ईरानी चुप होती हैं, कुलदीप सिंह सेंगर पर चुप रहती हैं, स्वामी चिन्मयानंद पर चुप रहती हैं, जब उत्तराखंड में विनोद आर्या नाम के बीजेपी के नेता के बेटे पर यह आरोप लगता है कि उसने अंकिता भंडारी को मौत के घाट उतार दिया, तब भी स्मृति ईरानी खामोश रहती हैं। और सबसे शॉकिंग बात, भारत की ये बेटियां जंतर मंतर पर आंदोलन कर रही हैं, इस पर स्मृति ईरानी खामोश बनी हुई हैं। आज ये बेटियां खाप पंचायतों से अपील कर रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं कि आइए हमारा साथ दीजिए, क्योंकि वो देख रही हैं कि उनका साथ देने वाला कोई नहीं है। सुनिए विनेश फोगाट ने किस तरह से अपील की थी। हमारे साथ में एक धोखा हुआ है, एक राजनीति हुई है, और हम नहीं चाहते कि हमारी जो आने वाली जो लड़कियां हैं जिन्होंने बृजभूषण शरण के खिलाफ में आवाज़ उठाई है, जो उसने शोषण किया हमारी लड़कियों का, तो वो लड़कियों को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर आज उनको इंसाफ नहीं मिला तो कोई भी लड़की जो रेसलिंग में इतना नाम कमाया है, जो लड़कियां इतना बढ़ चढ़ के आज हिस्सा ले रही हैं, वो रेसलिंग जैसे गेम को छोड़ के किसी दूसरे गेम में जाएंगी या बिल्कुल उनके जो फैमिली के लोग हैं उनको कहीं बिल्कुल घर पे ना रख ले, तो उनके भविष्य का भी सवाल है और हमारे आत्मसम्मान की भी लड़ाई है। प्लीज़ हमारे इस भविष्य की लड़ाई में और हमारे आत्मसम्मान की और हमारी कुश्ती की भलाई के लिए प्लीज़ हमारा साथ दीजिए। और सिर्फ विनेश फोगाट ने नहीं, साक्षी मलिक ने, ओलंपिक्स में पदक विजेता साक्षी मलिक ने भी इसी तरह से लोगों से अपील की है कि आइए हमारा साथ दीजिए। देखते हैं सभी खाप पंचायतों बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पिछला धरना किन लोगों की वजह से खराब हुआ है, हमें झांसे में ले लिया गया, तो अभी यही समय है कि आप सब लोग आओ, हमारा समर्थन करो। जिन बेटियों ने इतना बड़ा साहस दिखाकर एक स्ट्रॉन्ग आदमी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत जताई है, तो मेरा बस आपसे यही निवेदन है कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। दोस्तों ये खिलाड़ी इतने बेबस हैं, आपको याद होगा पिछली बार जब वृंदा करात उनसे मिलने गई थी तब बजरंग पुनिया ने कहा था कि हमारे इस मंच पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर अब ये खिलाड़ी कह रहे हैं कि भाई तमाम जो राजनीतिक दल हैं अगर वो हमारा साथ देना चाहते हैं तो इस मंच पर आइए। और हाँ, भाजपा पर रोक नहीं है, उन्होंने कहा कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हमारा साथ देना चाहती है वो हमारे मंच पर आ सकती है। ये लोग ये अपील कर रहे हैं, मगर इनकी अपील को नहीं सुना जाएगा। ना देश की महिला मंत्री कुछ कहने वाली हैं, ना देश के राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा या जो उनकी एक सदस्य हैं खुशबू, वो भी कुछ नहीं कहने वाली हैं, क्योंकि सामने खड़े हैं रसूख वाले व्यक्ति जिनका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। उनसे कौन टकराएगा? और भारतीय जनता पार्टी उनका नुकसान कैसे कर सकती है?
क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह एक राजनीतिक बाहुबली हैं, एक राजनीतिक वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं। अगर उन पर कार्रवाई हुई तो जाहिर सी बात है इसका असर चुनावों पर पड़ेगा। मगर एक बार फिर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। एक बार फिर मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के सामने होगा। वो डीवाई चंद्रचूड़ जो लगातार इस सरकार को अलग अलग मुद्दों पर आईना दिखा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र का मुद्दा हो, चाहे वो बिल्किस बानो का मुद्दा हो, उन तमाम मुद्दों पर लगातार डीवाई चंद्रचूड़ मोदी सरकार को आईना दिखा रहे हैं। और अब उनके सामने, उनकी अदालत में यह मामला आ सकता है। क्या देश को गौरव दिलाने वाली, हमारी छाती को फक्र से चौड़ा करने वाली इन भारत की बेटियों के साथ इंसाफ होगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरह से हकीकत से खुद को दूर रखेंगे और इनकी आवाज को अनसुना किया जाएगा? ये तमाम सवालात हैं जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। और सबसे बड़ी बात है, जहां तक मैं जानता हूं दोस्तों, प्राइम टाइम में अब इनकी आवाज तक नहीं उठाई जा रही, कोई उसकी चर्चा नहीं कर रहा है। तमाम प्राइम टाइम न्यूज चैनल्स में जो जितनी भी पापा की परियां हैं सब चुप हैं, जितनी महिला एंकर्स हैं सब चुप हैं, जितने पुरुष एंकर्स हैं वो सब चुप हैं। और मैंने महिला एंकर्स का जिक्र इसलिए किया कि कम से कम जब भारत की बेटियां इस तरह से मैदान में हैं, जंतर मंतर में हैं, अपने आंसू बहा रहे हैं, तो कम से कम उस दर्द को समझिए। एक महिला ना होने के नाते, कम से कम एक इंसान होने के नाते, मगर खामोशी पसरी हुई है। तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स में खामोशी पसरी हुई, कोई नहीं बोलना चाहता है, क्योंकि अगर किसी ने कहा तो कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार एक्सपोज हो जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बेदिली एक्सपोज हो जाएगी। और मैं इसलिए इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं दोस्तों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मणिपुर में जाकर प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमें अपने खिलाड़ियों का ख्याल रखना चाहिए, मगर उनके सामने जंतर मंतर में क्या हो रहा है उस पर वो कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो इन खिलाड़ियों से बात भी नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, यहां देखिए, प्रधानमंत्री इन खिलाड़ियों के साथ तस्वीर खिंचवाते हैं, तस्वीर दिखाई दे रही है यहां पर। मगर आज जब ये लोग जंतर मंतर पर हैं, तब प्रधानमंत्री उनके पास क्यों नहीं जा रहे उनके साथ तस्वीर खिंचवाने के लिए? अरे कम से कम इसी बहाने चले जाइए, सेल्फी के बहाने चले जाइए, अब नहीं जाएंगे। मगर हां, जब वो मेडल लेकर आते हैं, जब उनकी ख्याति होती है, जब उन्हें लोकप्रियता मिलती है प्रधानमंत्री, तब उनके पास आप जरूर जाते हैं, मगर आज नहीं जाएंगे वो। आज जब दूसरी रात उन्हें जंतर मंतर में खुले आसमान के नीचे बितानी पड़ी है, तब प्रधानमंत्री नहीं जाएंगे, तब कोई गोदी मीडिया का न्यूज चैनल की आवाज नहीं सुनाएगा, उल्टा उन्हें ही बदनाम किया जाएगा। यह हकीकत है इस देश की, इसके अलावा कुछ नहीं। हमारी इन महिला खिलाड़ियों के बारे में नहीं सोच सकते, तो कम से कम उस नाबालिग महिला खिलाड़ी के बारे में सोचें, क्योंकि अगर कार्रवाई हुई तो पॉक्सो के अंतर्गत होगी, यानी कि एक महिला नाबालिग खिलाड़ी को भी बख्शा नहीं गया। यह हकीकत है इस देश की, इससे मुंह मत छुपाइए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।